हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रैंड फैंटेसी यूट्यूब चैनल। तो अभी अभी हम जो पाकिस्तान का जो T20 होने वाला है उसके फर्स्ट जो T20 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए ताकि आपको टॉस के बाद जो न्यूज़ होता है और प्लेइंग 11 होता है और टीम होता है, तो हम टॉस के बाद हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ही अपडेट करें ताकि आपको टॉस के बाद टीम मिले। तो पहले आप टेलीग्राम पे जाइए, फिर सर्च करिए @DreamElevenGF, उसके बाद हमारा लोगो दिखेगा और आपको सब्सक्राइबर दिखेगा। देखिएगा 4069 सब्सक्राइबर है, उसको देख के आप हमारा चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। और हम वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे, लिंक के थ्रू भी आप हमारे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको हर मैच का 6 टीम चाहिए तो फिर आप हमारा मंथली प्राइम ले सकते हैं, जिसमें अक्टूबर मंथ का भी प्राइम चल रहा है, जिसमें फीस अभी 800 कर दिया। 1000 था तो अक्टूबर मंथ का ऑलरेडी 10 डे निकल चुका है, तो इसीलिए हमने फीस को 800 कर दिया। तो दोस्तों, अगर इसका रिगार्डिंग अगर आपको कोई किसी भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स डाल देंगे, उसके थ्रू वो आपको वो देख के आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों लेकिन हमारे अगर प्राइम लेना चाहते हो तो आपको कम से कम ड्रीम इलेवन पे 1000 बैलेंस होना चाहिए। अगर हम बैलेंस है तभी आप हमारा मंथली प्राइम ले सकते हो। और अगर आप नेगेटिव पर्सनलिटी है तो आप मत लीजिए, हमसे प्राइम नहीं ले सकते। अगर आप पॉजिटिव पर्सनलिटी हो तभी आप हमारा प्राइम ले सकते हैं। दोस्तों अभी हम ड्रीम इलेवन पर चलते हैं और आप लोगों को डिस्कस शुरू करते थे, और आप लोगों को हो सके कि ड्रीम ग्रैंड लीग जीतने में थोड़ा सा मदद हो जाए और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को वहाँ पर शेयर करते हैं। चलो ड्रीम इलेवन पर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम ड्रीम इलेवन पे आ चुके हैं। तो देखिए विकेट देखिए दोनों टीम का बराबर का ही टीम बना, 3-3 रन का ही टीम बना, कि कोई भाव या कुछ भी नहीं मिल रहा है इसमें, इस मैच में कोई नीच कोई नहीं मिलता है। तो क्या करें, आपको दोनों टीम का 3-3 करके टीम बनाना, लेकिन थोड़ा क्रेडिट का बहुत इश्यू होगा। तो आप अगर स्मॉल लीग इग्नोर करेंगे तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर ग्रैंड लीग ऐसे ग्रैंड लीग खेलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि स्मॉल लीग में आपको क्रेडिट मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप स्मॉल लीग ग्रैंड लीग खेलेंगे तो ऐसे बड़े प्लेयर को भी ड्रॉप कर सकते हो इजीली ग्रैंड लीग में। तो एक आप 100 रुपया ग्रैंड लीग में डाल देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको वो भी फ़र्क पड़ता है तो इस मैच में मत ही खेलिए, क्योंकि आपको इस मैच में मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो विकेट कीपर पर आप रिजवान जो कैप्टन है खैबर पख्तूनख्वा, तो आप उसको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, और कैप्टन फैसल में जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना है। लेकिन क्या अगर खैबर पख्तूनख्वा टॉप ऑर्डर फ्लॉप जाता है तो रिजवान जो बहुत बढ़िया फॉर्म में है, और अभी जो लास्ट 10 से मैच था इनमें से 4 मैच में सेंचुरी लगा चुका है और बहुत बढ़िया फॉर्म में है। लेकिन सरफराज हमारा मतलब अपना जो ये एक्सपीरियंस कह रहा है कि सरफराज से ज़्यादा मुझे लगता है पाकिस्तान का जो बेस्ट विकेट कीपर में से और बैट्समैन में से एक मोहम्मद रिजवान ही है जो विकेट कीपर में से है। सरफराज से अच्छा यही है। अगर सरफराज को पता नहीं सरफराज को क्यों पाकिस्तान का टीम मतलब मैनेजमेंट उनको ही पकड़ के रखा है और हार भी रहे तब भी वो लोगों मतलब वो छोड़ो उसकी बात। तो हम क्या बोल रहे थे कि आप रिजवान को ट्राई कर सकते हो और गैली में जरूर ट्राई करना, लेकिन देखिए इस समान भी थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि क्रेडिट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और आप यहाँ और बलूचिस्तान का आप बिस्मिल्ला खान को ट्राई करना, इस बिस्मिल्ला खान जो खेलेगा तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। और ग्रैंड स्मॉल लीग में बिस्मिल्ला खान ही सेफ ऑप्शन रहेगा, लेकिन रिजवान मिडिल ऑर्डर पर बैठेंगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट होगा, लेकिन ग्रैंड लीग में आप जरूर ट्राई करना। और यहाँ पर इमाम उल हक अवेलेबल है, तो चोटिल भी था, अगर नहीं प्लेइंग इलेवन के ऊपर सब डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर मिस हो सकता है। तो प्लेइंग इलेवन पर अगर मिस होता है बड़ा प्लेयर तभी अच्छा खासा होगा, नहीं तो अगर सब प्लेयर खेलता है बड़ा प्लेयर तो फिर क्रेडिट का बहुत प्रॉब्लम दिक्कत आ जाएगा। तो आप उसी के हिसाब से आप अगर इमामुल हक अगर खेलते तो फिर, लेकिन इसका T20 का उतना खास रिकॉर्ड नहीं है, तो आप ग्रैंड लीग में इसको जरूर ट्राई करना। स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन रहेगा, लेकिन ग्रैंड लीग में एक दो टीम में ड्रॉप करके छोड़ सकते हो। फखर जमान का फॉर्म उतना कुछ खास नहीं, लेकिन ग्रैंड लीग में एक टीम में कैप्टन करना, स्मॉल लीग एक दो टीम में कैप्टन करना, स्मॉल लीग में स्मॉल लीग में एज ए प्लेयर रख सकते हो और कैप्टन भाई सकते हो, क्योंकि पॉपुलर पिक होगा स्मॉल लीग में। तो जो खेलेगा तो फिर सब कैप्टन की स्मॉल लीग में उन मतलब जो जिसको ज़्यादा जानता है उसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाता है स्मॉल लीग में, और जो मतलब जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं उन्हीं को मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन बना देते हैं। तो इसीलिए आपको उसको भी रखना पड़ेगा, जरूरी है। लेकिन अगर फॉर्म उतना खास नहीं है तो आप ग्रैंड लीग में इसको एक दो टीम में ड्रॉप करके चल सकते हो। हरीश सोहेल जो मास्ट है स्मॉल लीग के लिए, दोनों में सेफ ऑप्शन है और बहुत बढ़िया फॉर्म है, आप बॉलिंग भी अच्छा खासा कर लेता है, तो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई करना। एस फरहान साहेबजादा फरहान और फखर जमान जो ओपन करने आएगा, तो साहेबजादा फरहान को आप ग्रैंड लीग में जरूर देखिए, सिर्फ 9% लोगों ने सिलेक्ट करके रखा, तो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। और एक दो टीम में कैप्टन मार से तो बहुत बढ़िया बैट्समैन है। और यहाँ पर यासिर इमरान आराफात जो पूरा मतलब जैसे पुराना खिलाड़ी है पाकिस्तान का, तो आप इसको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की होगा। एवेस जिया जो बहुत बढ़िया बैट्समैन है और इसका 300-400 भी है, तो आप इसको ग्रैंड लीग में जरूर एक दो टीम में कैप्टन बनाना, क्योंकि इसको अगर बैटिंग करने और हार्ड हिटर बैट्समैन है, अगर बैटिंग करने का अगर ओपन करने आए तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि कौन ओपन करेगा उतना कुछ मतलब कॉन्फर्मेशन नहीं। अगर ओपन करने आए तो आपको ये कैप्टन का भी पॉइंट दे सकते हैं, और मिडिल ऑर्डर में अगर इसको 10 ओवर तक खेलने मिल जाए तो ये कैप्टन का पॉइंट दे, ये पाकिस्तान के नेशनल टीम के लिए भी खेल चुका है, इंटरनेशनल के लिए भी खेल चुका है।
तो इसरारुल्ला को आप ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में दोनों में ट्राई कर सकते हो। जो ऑन डाउन बैटिंग करने आ सकता है तो आप इसरारुल्ला को ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो। और ये क्रेडिट की वजह से हमने इसको अभी तक सिलेक्ट करके रखा है, लेकिन प्लेइंग 11 के बाद हमको हटाना पड़ेगा। तो ऐसे और ऐसा प्लेयर नहीं है, लेकिन अगर न्यू कोई प्लेयर खेलता है तो आप इसको जरूर ग्रैंड लीग में ट्राई करना। ऑलराउंडर में आप इफ्तिकार अहमद, जो बहुत बढ़िया बैट्समैन है, अभी खेल रहा था श्रीलंका जो सीरीज चल रहा था उसमें खेल रहा था और अच्छा खासा परफॉर्म भी किया। तो आप ग्रैंड लीग में इसको जरूर ट्राई, स्मॉल लीग में जरूर मतलब सेफ ऑप्शन लेकर ग्रैंड लीग में एक दो टीम में ड्रॉप कर। हसन तलाट जो स्मॉल लीग है दोनों में सेफ ऑप्शन है, ऑनडाउन बैटिंग करने आ सकता है तो आप इसको ग्रैंड लीग में एक दो टीम में कैप्टन करना और स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन रहेगा। और यहाँ पर शाहबाज खान जो स्पिन बॉलर है आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की होगा। और आदिल अमीन को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, आदिल अमीन जो बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है आप इसको जरूर ग्रैंड लीग में ट्राई करना एक दो टीम में। लेकिन अब छः टीमर है तो कम से कम हर प्लेयर को घुमा घुमा कर टीम बनाना, क्योंकि कोई भी बंदा अच्छा खासा बॉलिंग इन लोगों का क्या है अच्छा खासा बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेता है। अगर जिसको भी मौका मिलेगा वो अच्छा खासा कर देगा तो आप उसी के हिसाब मतलब कोई मैच विनिंग प्लेयर ज़्यादा है, मैच विनर जो प्लेयर होता है ना वो ज़्यादा है कि अपने दम पर ही मैच जीता सकता है, मतलब बॉलिंग बैटिंग दोनों करके जीता सकते हैं। ऑलराउंडर भी अच्छा खासा है तो उसके हिसाब से आप इसको ट्राई करना। तो आदिल अमीन को भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। खुशदिल शाह जो हमारा आप इसको ग्रैंड लीग में जरूर पकड़ना, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में पिक करना अगर खेलता है तो फिर, क्योंकि ये बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है और बैटिंग भी बहुत अच्छा कर लेता है। इसका भी 2-3 सेंचुरी है डोमेस्टिक क्रिकेट में, डोमेस्टिक एरिना में। और अहमद भट्ट को ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई करना, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है और बैटिंग अच्छा खासा लास्ट में हैड हिटिंग कर लेता है और बॉलिंग बहुत बढ़िया करता है। अहमद भट्ट को आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना। मोहसिन खान अगर खेलता है तो फिर ट्राई करना, स्पिन बॉलर है, खुशदिल शाह भी स्पिन बॉलर है, जोएब खान भी स्पिन बॉलर है और शाहबाज खान भी स्पिन बॉलर है। आप जो प्लेइंग इलेवन का होगा, प्लेइंग इलेवन के लिए आप हमारा टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए ताकि प्लेइंग इलेवन जब भी मिलेगा हम जितना जल्दी हो सके हम अपडेट कर देंगे, होगा तो आप लोगों को टीम क्रिएट करने में ईजी हो। और ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको प्लेयर के बारे में, ये आप लोगों को टीम क्रिएट करने में हेल्प होगा। या आप नोट करके भी रख सकते हो कौन सा प्लेयर के बारे में हम क्या बोल रहे हैं। उस्मान खान सेनवारी का ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई करना, सेफ ऑप्शन है और एक दो टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना के भी छोड़ सकते हो, बहुत बढ़िया बैट्समैन है। यासिर शाह को ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की होगा। और यहाँ पर इमरान खान अगर खेलता है तो ट्राई करना, लेकिन स्मॉल लीग में बहुत ज़्यादा रिस्क है। जुनैद खान स्मॉल लीग ग्रैंड दोनों में सेफ ऑप्शन है, कैप्टन वाइस कैप्टन। मोहम्मद असगर जो स्पिन बॉलर है आप ग्रैंड लीग में इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्पिन बॉलर है लेकिन पिच जो है थोड़ा सा बैटमैन मतलब जो सनशाइन है तो आप स्पिन को भी थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो। और शुरुआत में फास्ट बॉलर को हेल्प करेगा तो आप उसी के हिसाब से फास्ट बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। 2-3 विकेट चटका लिया उसी बॉलर ने, मतलब फास्ट में 2 विकेट चटका लिया और लास्ट में एक दो मतलब लास्ट डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए 1-2 विकेट चटका लिया तो कैप्टन इजीली मतलब ड्रीम इलेवन का पॉइंट सिस्टम के अनुसार वो कैप्टन भी हो सकता है। उमर गुल को आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है लेकिन ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। और यहाँ पर आप इमरान खान जूनियर को ट्राई कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया बॉलर है और पीएसएल है तो उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म किया तो आप इसको जरूर ग्रैंड लीग में ट्राई करना, बहुत बढ़िया बॉलर है और कैप्टन भी बना सकते हो। मोहम्मद ताला अगर खेलता है तो भी इसको ट्राई करना, बहुत दिन के बाद ये खेल रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा बॉलर है, अच्छा खासा इसका रिकॉर्ड है, आप इसको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना और कैप्टन भी बना सकते हो, बैटिंग भी थोड़ा अच्छा खासा कर लेता है। और ऐसा कोई मोहम्मद इलियास है लेकिन अगर खेलता है तो भी ट्राई करना। और ऐसा अच्छा कोई मतलब प्लेयर अगर न्यू कोई एंट्री प्लेयर मारता है तो उसको आप ग्रैंड लीग में जो ट्राई कर सकते हो, लेकिन रिस्क ले सकते हो ग्रैंड लीग में, क्योंकि रिस्क लेंगे तभी आप ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क की जो प्लेयर होता है वो आपको ग्रैंड लीग जीतने में मदद करता है। दोस्तों जैसे हम हर वीडियो में आप लोगों को बोलते हैं फ्रॉड लोगों से बच के रहें, जो आपको 100% विनिंग करेगा ये करेगा उन लोगों से बच के रहें, क्योंकि ये फैंटेसी गेम है, कोई आपको 100% विन नहीं करा सकते, लेकिन जिसके पास क्रिकेट का प्रॉपर नॉलेज है, ड्रीम इलेवन का नॉलेज है, वही आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस आपके, अगर मैं आपको लोगों को बोल दूं अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद ही रिसर्च करिए, खुद ही ये करिए, अपना नॉलेज यूज करिए, किसी से टीम मत लीजिए, ये करिए, अपना काम करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं तो भी अगर आपको हमारा टीम पसंद है, अगर हमारा काम पसंद तो हमसे भी प्राइम ले सकते हैं जिसमें हम हर मैच का 6 टीम देते हैं। अगर आप किसी और से अगर आपको लगता है कि हाँ ये बंदा सही कर रहा है तो उसका टीम, लेकिन जो आपको बोलेगा 100% विनिंग करेगा उससे कभी भी मत लेना, क्योंकि ये फैंटेसी गेम है, आपको विन नहीं हर मैच आपको विन नहीं करा सकता कोई। तो दोस्तों अब ये वीडियो खत्म करते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल पर भी ज्वाइन हो जाए ताकि टॉस के बाद आपको टीम मिले। ओके बाय।